Now, the first lesson is The Damned Human Race. Its writer is Mark Twain. और आप सबसे पहले चीज़ों को समझें कि आपने तमाम जो टर्म्स, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जिस जिस लेसन में आएंगे उनको अंडरलाइन करें, समरी अपने सामने रखें, टेक्स्ट अपने सामने रखें, एक एक पॉइंट, एक एक जो प्रॉपर नाउन है उसको अंडरलाइन करें, ठीक है। इसके स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि द राइटर हैज़ एनालाइज्ड द बिहेवियर एंड द नेचर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द लंदन जूलॉजिकल गार्डन। लंदन जूलॉजिकल गार्डन, इसको जहन में रखें। देन द राइटर रिजेक्ट्स द डार्विन्स थियोरी, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ डार्विन्स थियोरी? थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, मैन इज़ द हायर एनिमल। अब इसको जहन में रखिएगा, हायर एनिमल ये कौन कहता है? डार्विन। जबकि दूसरी तरफ हम मार्क ट्वेन की बात करते हैं, ही सेज दैट मैन इज़ नॉट द हायर एनिमल। फिर एग्जांपल्स देते हुए, वो अपने केस को बिल्ड करते हुए, द राइटर गिव्स एन एग्जांपल ऑफ एन इंग्लिश अर्ल हु किल्ड 72 बफेलोस। नंबर आप जहन रखिएगा, 72। ही एट वन आउट ऑफ 72 एंड ही लेफ्ट 71 बफेलोस टू रॉट। ये आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस तरह जहन में रखनी हैं। द हंग्री एनाकोंडा एट अप ओनली वन काफ एंड डिड नॉट टेयर अवे द अदर सिक्स काफ्स। 7 टोटल आउट ऑफ 7, 6 को उसने छोड़ दिया, उसने नहीं खाया, एक जो है वो खाया। ये एनाकोंडा की बात हो रही है। फिर मुख्तलिफ जो राइटर ने इंसान में कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि मैन इज़ ग्रीडी। अब ग्रीडी में मुख्तलिफ रेप्टाइल्स और एनिमल्स के साथ इंसान का जो है वो कंपैरिजन है, बीज के साथ है। फिर वो इंसान के सेक्सुअल बीस्ट होने की बात करता है, एंड ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ कैट्स एंड ही सेज दैट मैन हैज़ मॉरल सेंस Whereas cats do not। अब यहाँ पे cats जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी अगर इस तरह का कोई सेंटेंस बनता है, जबकि डॉग्स के बारे में वो बात नहीं कर रहा, किसी और जानवर के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आगे चलकर वो बात करता है डोमेस्टिक कॉक की। द डोमेस्टिक कॉक कीप्स हैरम्स बट विद द अग्रीमेंट ऑफ हिज हैन मिस्ट्रेस। रूस्टर की बात आएगी, ठीक है। फिर इंसान, मैन इज़ अ पैट्रियट, मैन लव्स हिज कंट्री एंड फॉर दैट कॉज ही हैज़ एन ऑर्गनाइज्ड आर्मी। यानी इंसान के अंदर वो एक सुपीरियरिटी वाला भी कॉम्प्लेक्स उसमें आता है। मैन इज़ अ स्लेव, ही एनस्लेव्स अदर्स। फिर जब इंसान के रिलीजियस और पॉलिटिकल क्रूलिटीज़ की बात करता है, देन द राइटर गिव्स अस द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एरास and different people of the history। उसमें बात करता है कि North American Indians gouged out their prisoners' eyes mere on political differences। फिर बात आती है King John who used a real hot iron to torture his political opponents। Then Richard I। अब ये जहन में रखना है कि King John ने क्या किया, Richard I ने क्या किया। Richard I shut up a number of Jew families in a tower and set fire to it। Set fire कहाँ? उसने वो Jew families जो थी वो उसने बंद की टावर में, ठीक है। तो इस तरह आपने important facts जहन में रखने हैं। अब हम second lesson की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आपने historical background जहन में रखना होगा। The historical background, as you know, that the lesson is written in the backdrop of Franco-Prussian War. Franco for France, Prussia was the old name of Germany. और एक जंग जो थी वो लड़ी गई थी in the year 1870 to 1871। ये आपने ध्यान रखिएगा। उसमें फ्रांस के दो इलाके अल्जैक एंड लॉरेंस,
ठीक है, ये दोनों इलाके ये जर्मनी के कंट्रोल में चले गए थे। द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ स्कूल बॉय हुज नेम इज़ फ्रेंड्स। और इसमें हम देखते हैं कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीचर हुज नेम इज़ मिस्टर हैमल एंड ही यूज टू टीच दम लैंग्वेज। पर्टिकुलरली जो स्टार्ट है इस लेसन का, उसमें स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है कि ही टीचेस पार्टिसिपल, ठीक है, वो ग्रामर का एक असूल पार्टिसिपल वो पढ़ाता है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ाता, एडवर्ब्स नहीं पढ़ाता, ये आपने ज़हन रखना है ये जो मेंशन हुआ हुआ है चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में चंद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यूज़ की गई हैं, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लियरेस्ट एंड द ब्यूटिफुल लैंग्वेज। तो ये आपने ज़हन रखिएगा, ये जो डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव्स की, ये आप अपने ज़हन रखिएगा, इसमें चेंजेस हो सकती हैं एमसीक्यूज़ में जब क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हैमल वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है और उसके बाद गिल्ट भी फील करता है, क्योंकि वो बच्चों को जो है वो आज़ादी देता था फिशिंग के लिए, बाकी जो मामलात हैं। फिर बर्लिन से खबर आती है कि लॉरेन और एल्जैक में अब जो है वो जर्मन जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी। स्टोरी के एंड पर हम देखते हैं कि द स्टोरी इज़ नॉट अबाउट द ग्रामर, रादर द स्टोरी शेड्स लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, वंस नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एंड पर वीवा लॉ फ्रांस एक नारा, लॉन्ग लिव फ्रांस, वो जो चौक से लिखता है हैमल, और दैट वाज द लास्ट क्लास। ठीक है, इसमें विलेजर्स, ब्लैकस्मिथ और मुख्तलिफ जो मेयर है उस इलाके का, वो सारे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वाटर कैरियर जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। थर्ड लेसन जो हमारा है वो है ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स बाय जेलेट बर्जिस एंड अमेरिकन ह्यूमरिस्ट। ठीक है, ये अमेरिकन है। बेसिकली दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक नेम्ड आर यू अ ब्रोमाइड। और इसमें हम स्टार्ट में ही देखते हैं कि द राइटर हैज़ डिवाइडेड द मैनकाइंड into two different classes, bromides and sulfides. अब यहाँ पर आ सकता है 2, 3, 4 कितनी क्लासेस में इंसान को तकसीम किया गया। फिर हम डिस्कस करेंगे bromides और sulfides की characteristics, कि bromides जो हैं they are commonplace, ठीक है, बड़े ही एक average किस्म के लोग होते हैं, conventional होते हैं, they are not real people, they are not genius, they are not creative. They only follow the law of average, law of average. ये important points ये आपने इस तरह से ध्यान रखने हैं। And they only follow the mob. मतलब they are not real thinkers. Followers होते हैं, leaders नहीं होते। जब हम बात करते हैं sulfides की, they are explosive and unpredictable. तमाम reformers, artists, क्रैंक्स, क्रिएटिव लोग, जीनियस लोग, वो सारे सल्फाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें द राइटर गिव्स अस एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड लिटरेचर। और हमें आइडिया है कि हैमलेट, शेक्सपियर के बारे में राइटर कहता है कि ही वाज अ सल्फाइड, पॉलिनस वाज अ ब्रोमाइड, लुइस कैरोल ही वाज अ सल्फाइड, बर्नार्ड शॉ he was sulfide, Dr. Johnson he was a sulfide, but his writings jo thi uski he was intensely bromidic. Then President Roosevelt he was also a sulfide. So is tarah writer ne mukhtalif history aur literature se examples di, to in ke naam, in ke sulfide hona, bromide hona, ye apne zehen mein rakhna hai. Now it's fourth lesson, how to live to be 200. This lesson is written by Stephen Leacock, aur iska title aapne zehen mein rakhna hai, how to live to be 200. ye 200 ka figure aapne zehen mein rakhna hai.
द राइटर टॉक्स अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज मिस्टर जिगन्स एंड द राइटर सेज दैट ही मेट हिम 20 years ago. यानी 20 years का आपने जहन रखना है. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ मैनिया, ठीक है, हेल्थ हैबिट्स उसमें ये मुब्तला था. He wanted to prolong his age. He wanted to live for 200 years. Although, writer जो है ironically एक exaggerated form में एक मुबालगा आरई करते हुए writer हमें बता रहा है कि his aim was to prolong his life for 200 years. But ironically, he died young. Despite उसकी जो foods, एक selective food और choosy किस्म का बंदा था, ठीक है, और डिस्पाइट उसकी तरह तरह की एक्सरसाइजेस के वो अपनी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग नहीं कर सका. राइटर हमें उसकी डिटेल बताता है उस जिगन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं. ही यूज़ टू टेक अ कोल्ड प्लंज, नॉट हॉट वन, एवरी मॉर्निंग, नॉट एवरी इवनिंग, ये जहन रखिएगा. ही यूज़ टू टेक अ हॉट स्पंज, ठीक है, फिर वो तरह तरह की एक्सरसाइजेस करता है. ही यूज़ टू टेक कोल्ड बाथ, ब्रीथ इन एन ओपन विंडो फॉर हाफ एन आवर, सैंडो एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स. ही यूज़ टू लिफ्ट आयरन बार्स, ठीक है, एट नाइट मूव्ड फास्ट अराउंड हिज रूम. डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज ही डाइड अर्ली. फिर हम देखते हैं कि उसके जो फूड है वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वो नाइट्रोजन से अवॉइड करता है, कभी वो जो है फैट्स नहीं लेता. फिर स्टीफन लीकॉक वो भी इसको थोड़ा सा रिडिक्यूल करता है, थोड़ा सा एक ह्यूमरस टच देते हुए वो बात करता है कि कोई जरासीम वगैरह नहीं है. ही सेज़ that as people say that diphtheria, typhoid, they are caused by bacilli and germs. So far as Stephen Leacock is concerned, वो मज़ाही अंदाज में बात करता है. वो कहता है cholera is caused by a frightful pain in the stomach and diphtheria is caused by trying to cure a sore throat. फिर कुछ pieces of advice जो है वो writer देता है, और वो कहता है नंबर वन, जो ऐसे लोग हैं वो क्या करें, दे शुड गेट अप हाफ एन आवर बिफोर देयर वर्क आवर. यानी इसमें हाफ एन आवर आपने जहन रखना है. दे शुड, सेकंड, दे शुड हैव हॉट बाथ्स फॉर कंफर्ट, हॉट बाथ नॉट कोल्ड बाथ. दे शुड नॉट वरी अबाउट जर्म्स और बैक्टीरियल इन फूड. फूड की बात हो रही है, बैक्टीरिया में फूड, फूड में बैक्टीरिया उसकी बात हो रही है, तो आपने ये इसको भी जहन में रखना है. नंबर फोर, दे शुड ईट फूड दे लाइक, मतलब दे शुड नॉट बी चूजी, सेलेक्टिव ना हो फूड के मामले में. नंबर फाइव, दे शुड हैव फ्रेश एयर इन द हाउस एंड शुड नॉट गो टू ओपन प्लेसेस फॉर इट. यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने हर लेसन के जहन में रखते जाना है, अंडरलाइन करते जाएँ और साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं. नाउ इट्स द ओपन विंडो, लेसन नंबर 5. इट इज़ रिटन बाय एच एच मुनरो, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, और वो उसका एक सूडो नेम भी था. अंडर हिज सूडो नेम ही यूज्ड टू राइट दी स्टोरीज, साकी, SAKI, ये जहन में रखिएगा. The volume that made him famous was published in 1904. और इसके बारे में एक और डिटेल भी है कि he was killed in France during the First World War. और ये इसका अगर टाइटल का देखें, The Open Window, और ये ओपन विंडो इसमें बीच में तस्करा भी आएगा आपको, फ्रेंच विंडो, एक डिज़ाइन है फ्रेंच विंडो, तो उसका जिक्र है यहाँ पे. सबसे पहले आपने कैरेक्टर्स जहन में रखने हैं, फ्रैम्पटन नटल who came from a city to spend some time there in the rural area, a countryside jo hai dehati ilaka hai. Mrs. Spelton ke yahan wo aata hai, aur Mrs. Spelton aur
जो मिस्टर फ्रैम्पटन की बहन है, सिस्टर है, इनका कोई पहले से एक आपस में कांटेक्ट रहा है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रैम्पटन अटल, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस टेंशन और सम साइकोलॉजिकल इलनेस। तो उसका सबसे पहले जो सामना या मुलाकात होती है वो वेरा से होती है। वेरा इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, शार्प विटेड, वेरी इंटेलिजेंट, सेल्फ पोजेस्ड गर्ल। शी इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी इमेजिनेटिव, ठीक है। शी यूज़ टू लिव इन फैंटसी, इन फैंसीज। तो आपने ये चीज़ें, इनके कैरेक्टर्स का एनालिसिस, इन कैरेक्टर्स को इवेल्यूएट करना है, इनके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं हर कैरेक्टर की, उसको भी आपने जहन में रखना है। फिर हम देखते हैं कि वेरा जो है वो स्टोरी सुनाती है कि जो उसकी आंट है मिसिस फ्रैम्पटन अटल, उसके हस्बैंड और उसके दो भाई, यानी मिसिस स्पेल्टन के दो भाई जो हैं, दे हैड गॉन आउट फॉर हंटिंग थ्रू ओपन विंडो। हाउ मेनी ईयर्स अगो? 3 ईयर्स अगो, ठीक है, 3 साल पहले। फिर वो बताती है कि वो इसी खिड़की के ज़रिए से ही वापस आएंगे और इसी वजह से ही ये खिड़की खुली है, और दे वुड कम बैक विद स्पेनियल डॉग, ठीक है, स्पेनियल डॉग की बात हो रही है। फिर जब एंड पर 3 फिगर्स जो है वो अपीयर होते हैं और मिस्टर फ्रैम्पटन अटल जो है ना वो होफ के मारे भागता है, तो यहाँ पे एक और स्टोरी बिल्ड करती है वेरा, और वो कहती है कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, और ही इतना ज़्यादा वो डरा हुआ था कुत्तों से कि ही हैड स्पेंट अ नाइट इन अ न्यूली डिग ग्रेव जस्ट बिकॉज ऑफ डॉग। एक सिमेट्री, एक कब्रिस्तान में जो है ना वो उसने एक रात गुजारी थी एक नई खोदी हुई कब्र में। तो यूँ इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, मुख्तलिफ हर लेसन के किरदार आपने जहन में रखने हैं। इंशाल्लाह जो सेकंड हमारी लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 6 से 10 तक होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।